मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 12/7/2024 के बाबा के सकार महावाक्य। मीठे बच्चे तुम्हें साहबजादे सो सहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम अपनी नज़र बाप के नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख दाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवानु बाच। अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं शिव भगवानु वाच, माना ही शिव बाबा समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, यानी कि भाई भाई हो, एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से बरसा लेना है हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से बरसा लिया था। बाबा याद करा रहे हैं हमें कि यही वर्षा आपने 5000 वर्ष पहले भी लिया था मुझसे। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे, बाप बैठ समझाते हैं। तुम सूर्य वंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहब के बच्चे साहबजादे हैं, यानी कि हमें बाबा बोल रहे हैं कि आप साहबजादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुखधाम। सभी नरकवासी हैं, तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सत्य को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, बल्कि कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवानो वाच कहते रहते हो, शिव भगवानो वाच। हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ ऐसे कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे राधे कृष्ण, ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब माँ में कम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। इतनी गारंटी देते हैं बाबा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है। सुख का नाम निशान नहीं, ऐसे
युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवानो बाज, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ, एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर वन दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब आदि बनाते ही रहते हैं, रखने लिए थोड़ी हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह करते थे, यह तो महिमा के बदले और ही गिलानी करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते, ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, यह बड़ी भारी गिलानी है। परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5 या वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे, और यह बरसा बाप से मिला था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं। बेहद की रात में श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की बेला निकाल सकते हो, शिव की बेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है,
उनसे बेहद का बरसा मिलता है। आज से 5 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सत्यों का पहला प्रिंस था। वहाँ अपरम अपार सुख थे, अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया, अरे अभी तो नरक है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं, बेहर का बाप जो दुख हरता सुख करता है उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है, हम बीके सब शिव बाबा की श्री मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5,000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो, स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई मौत विद बापना, जीव घात करना, सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5,000 वर्ष की बात सुनाते हैं, इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने, कर्म कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है, पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, यहाँ है ही क्रिमिनल आइजड सत्यों को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है, सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते, जो आता है वह बोल देते हैं, यह सब समझना है, अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे, अभी तो है ही दुख। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें संगठन करें परंतु इनसे कुछ होना नहीं है, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं, तुमने पुकारा है पतित पावन आओ तो मैं अपने समय पर आया हूँ, यदा इदाही धर्म से, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ, वह पावन दुनिया थी अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ, जो मुझे सर्वव्यापी है मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ, मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए ना, रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं, सब विकार से ही पैदा होते हैं,
यह विशेष वर्ल्ड है वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है, आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं, ये पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो यह मात पिता है, फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है, उनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठना होगा। बाबा कहते हैं कोई में भी कोई बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रेषण आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज ना करो। ऐसे बैठ समझाओ, अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी एक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था यह तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्मों के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकरा दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्म अकर्म विकर्म की गुहा गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। नंबर 2, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख दाम को सुख दाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। वरदान सतगुरु परम पिता परमात्मा जी का, नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना, नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका एक्यूपेशन है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका एक्यूपेशन है। ओम शांति।